एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ेंगे डेथ इन्वेस्टिगेशन मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। तो डेथ इन्वेस्टिगेशन हम पढ़ने वाले हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट से। जो नॉर्मल डेथ इन्वेस्टिगेशन या क्राइम इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक प्रॉपर स्टेजेस के थ्रू होती है, इंक्वेस्ट होती है। तो हमने इंक्वेस्ट ऑलरेडी कर लिया है एक वीडियो में, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो जो इंक्वेस्ट होती है, तीन तरीके की इंक्वेस्ट होती है, हमने उसमें किया है। बट इंडिया में दो इंक्वेस्ट परफॉर्म करी जाती है, पुलिस इंक्वेस्ट होती है और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट तब होती है स्पेशल केसेस में, डाउरी डेथ्स में, पुलिस स्टेशन में अगर कोई डेथ हो गई है या उस डेथ के लिए कोई पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है, तो इन सारे केसेस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। नहीं तो नॉर्मल पुलिस इंक्वेस्ट हमारे इंडिया में होती है। तो एक बार ही वो वीडियो देख लेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ मेडिको लीगल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। अगर उस वीडियो में कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो आगे हम कभी उसे डिस्कस कर लेंगे। बट अभी हम डेथ इन्वेस्टिगेशन मेडिको लीगल एस्पेक्ट से देखते हैं। तो जो मेडिको लीगल स्टडी है डेथ्स की, इट कम्स विद इन द यूनिट ऑफ फोरेंसिक थैनेटोलॉजी। ठीक है, तो जो मेडिको लीगल स्टडी है डेथ की, इट कम्स अंडर द यूनिट ऑफ फोरेंसिक थैनेटोलॉजी। अब ये थैनेटोलॉजी क्या है? तो थैनेटोस का मीनिंग होता है डेथ और लोगोस का मीनिंग होता है साइंस। तो डेथ साइंस हम इसे कह सकते हैं, जिसके अंदर आता है फोरेंसिक थैनेटोलॉजी के अंदर डेथ साइंस आती है। इसका लिटरल मीनिंग डेथ साइंस होता है। अब ये हमें इस जब हम डेथ किसी भी डेथ बॉडी की या डेथ के बाद की जो साइंसेस लगा के स्टडी करेंगे वो फोरेंसिक थैनेटोलॉजी के अंदर आ जाएगी। डेथ ऑकर्स इन टू स्टेजेस। तो दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस है डेथ होने की। पहला कौन सा है? पहला है सोमैटिक, सिस्टेमिक और क्लिनिकल। ये सारी की सारी चीज़ें सेम ही है, या तो आप सोमैटिक कह सकते हैं, सिस्टेमिक कह सकते हैं, क्लिनिकल कह सकते हैं। तो ये एक स्टेज होती है। दूसरी स्टेज क्या होती है? सेलुलर या मॉलिक्यूलर। क्या होती है? सेलुलर या मॉलिक्यूलर। तो ये हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो डेथ ऑकर्स इन टू स्टेजेस। टू स्टेजेस में डेथ ऑकर होती है। पहला है सिस्टेमिक, सोमैटिक और क्लिनिकल। सारी के सारी जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग सेम है, सेलुलर और मॉलिकुलर। तो आप सेलुलर भी कह सकते हैं इसे, मॉलिकुलर भी कह सकते हैं, सेलुलर और मॉलिकुलर। तो ये दो स्टेजेस होते हैं डेथ अगर होने के। अब इन स्टेजेस का मीनिंग क्या है? तो डेथ जो है, अगर हम बात करते हैं, पहले डेथ भी देख लो, हमें पता है डेथ क्या होती है, बट स्टिल हम एक डेफिनेशन से चलते हैं। तो डेथ क्या होती है? इट इज़ अ परमानेंट इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ थ्री इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम। तो जो परमानेंट, पहला क्या वर्ड है? परमानेंट होना चाहिए और इरिवर्सिबल होना चाहिए, जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। बॉडी की ऐसी कंडीशन या जो तीन हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं, उनकी ऐसी इरिवर्सिबल परमानेंट कंडीशन जिसमें वो काम करना बंद कर देते हैं या उनकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है। परमानेंट एंड इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ थ्री इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम। अब वो तीन इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम क्या है? जिसे हम कह सकते हैं ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। तो पहला है ब्रेन, दूसरा है हार्ट, तीसरा है लंग्स। अरे ये दो दो बार हो गया, चलो ठीक है। पहला है ब्रेन जो है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा हार्ट जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, थर्ड है हमारा लंग्स जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये तीनों हमारे लाइफ के ट्राइपॉड हैं, हम इन्हें कहते हैं ट्राइपॉड ऑफ आर लाइफ। पहला ब्रेन, दूसरा हार्ट, तीसरा लंग। तो नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन तीनों में का जब भी परमानेंट और इरिवर्सिबल सेसेशन हो जाएगा तब हम उस कंडीशन को डेथ कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं सेलुलर, मॉलिक्यूलर या फिर सोमैटिक और सिस्टेमिक डेथ पे। तो सोमैटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ का यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है। कंपैरिजन करके पढ़ने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो साइड बाय साइड सोमैटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ के पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सोमैटिक डेथ में क्या होता है? सोमैटिक डेथ में कंप्लीट इरिवर्सिबल स्टॉपेज हो जाती है सारे लाइफ, जो हमारा लाइफ ट्राइपॉड है जो हमने अभी पढ़ा, जो कि है नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो ट्राइपॉड है लाइफ का, वो कम्प्लीटली इरिवर्सिबली स्टॉप हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं सोमैटिक डेथ। मॉलिक्यूलर डेथ में क्या होता है? डेथ ऑफ अ टिश्यू, अ पर्टिकुलर टिश्यू और अ इंडिविजुअल सेल। तो किसी एक सेल की डेथ होगी और या फिर किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू की डेथ होगी, तब हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर डेथ।
तो जो सोमैटिक डेथ है उसे हम कई बार सस्पेंडेड एनिमेशन के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। जो सोमैटिक डेथ होती है उसे मैक्सिमम टाइम सस्पेंडेड एनिमेशन के साथ कंफ्यूज किया जाता है, बट जो मॉलिक्यूलर डेथ होती है वो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती है। तो सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है, एक आइडिया मैं दे देती हूँ, आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है। सस्पेंडेड एनिमेशन में डेथ नहीं हुई रहती है, बट एक छोटे टाइम स्पैन के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए, जो कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, देख के ऐसा लगता है कि उस पर्सन की डेथ हो गई है, बट डेथ हुई नहीं होती है। वो एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो डेथ जैसा कंडीशन देखने को मिलता है बॉडी में, तब हम उसे कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। ओके, मॉलिक्यूलर डेथ में क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑर्गन्स आर नॉट रिमूव्ड और ट्रांसप्लांट। डेथ, डेथ्स नहीं डेथ, ठीक है, ये मैं पीपीटी पे करेक्ट कर दूंगी। आफ्टर दिस डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ के बाद आप रिमूव नहीं कर सकते ऑर्गन्स को, आप ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। जब सेल्युलर डेथ हो चुकी है, सेल्स की डेथ हो चुकी है, तो आप कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे ऑर्गन्स को? जो ऑर्गन्स है वो सेल्स से मिलके बने हुए हैं, टिश्यूज से मिलके बने हुए हैं। बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू क्रिएट करती हैं, और जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। तो जब पर्टिकुलर सेल की डेथ हो गई है, इंडिविजुअल सेल की और टिश्यूज़ की डेथ हो गई है, तो आप रिमूव नहीं कर सकते कोई भी ऑर्गन और उसे ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। बट वहीं पे सोमैटिक डेथ में क्या होता है, आफ्टर सोमैटिक डेथ सेल्स एंड टिश्यू सर्वाइव फॉर सम टाइम। तो थोड़े टाइम के लिए जो सेल्स एंड टिश्यूज रहते हैं वो सर्वाइव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो सेल्स रहते हैं, जो ऑर्गन्स रहते हैं, वो थोड़े देर सर्वाइव कर जाते हैं। इस वजह से हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं ऑर्गन्स का और रिमूव कर सकते हैं ऑर्गन्स को, क्योंकि कुछ देर तक वो जो ऑर्गन्स हैं टिश्यूज़ हैं सर्वाइव करती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑक्सीजन नीड। तो जितनी उनकी ऑक्सीजन नीड होगी उसके डिपेंडिंग वो टाइम लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 45 मिनट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का टाइम डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ ऑर्गन्स हमने डिस्कस करे हुए हैं, स्लाइड में मैंने ऐड किया हुआ है, देखेंगे आगे। वहीं पे मॉलिक्यूलर डेथ में क्या देखने को मिलेगा, कूलिंग ऑफ दी बॉडी। मॉलिक्यूलर डेथ होने के जब मॉलिक्यूलर डेथ हो जाएगी, मॉलिक्यूलर सेलुलर डेथ हो जाएगी, तब आपको कूलिंग ऑफ दी बॉडी देखने को मिलेगी, स्टिफनिंग देखने को मिलेगी। राइगर मोर्टिस, अर्गर मोर्टिस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ के लिए, आने वाली वीडियोज़ में सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, और मैंने ये सोचा है कि अभी मैं 15 मिनट्स के आसपास वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और वीडियोज़ पूरी देख सको। और लंबे लेक्चर्स हो जाने से फिर आप लोग बहुत ज़्यादा बोर होते हो, और मैंने एनालिटिक्स में देखा आप पूरी वीडियोस देखते नहीं हो। तो अब मेरा ये टारगेट है कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी, ताकि वो इजीली आप देख सको, जल्दी कंप्लीट कर सको, और वो वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हो, तो वो छोटा सा ब्रेक भी ले सकते हो आप। तो ये आपके और मेरे लिए, हम दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे टॉपिक जब हम पोस्टमार्टम चेंजेस पढ़ेंगे तब। बट मॉलिक्यूलर डेथ में आपको क्या देखने को मिलेंगी, कूलिंग ऑफ द बॉडी देखने को मिलेगी, स्टिफनिंग देखने को मिलेगी, और जो जितने भी पोस्टमार्टम चेंजेस होते हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सारे के सारे पोस्टमार्टम चेंजेस मॉलिक्यूलर डेथ के बाद होते हैं, जब मॉलिक्यूलर डेथ हो जाती है, सेलुलर डेथ हो जाती है। सोमैटिक डेथ में क्या होती है, थोड़े टाइम के लिए जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, और सोमैटिक डेथ के बाद ही हम ट्रांसप्लांटेशन, या कोई पर्सन, किसी ने कोई अपना बॉडी ऑर्गन डोनेट किया है, तो मॉलिक्यूलर डेथ के बाद डोनेशन नहीं कर सकते। सोमैटिक डेथ होती है, उसके बाद हम वो ऑर्गन्स निकालेंगे ताकि उसे ट्रांसप्लांट किया जा सके। मॉलिक्यूलर डेथ के बाद तो सारे मॉलिक्यूल्स जितने भी बॉडी में वो डेड हो गए ना, सारे टिश्यूज डेड हो गए, सेल्स डेड हो गए, तो कोई भी ऑर्गन फिर वर्क नहीं करेगा। तो सारे पोस्टमार्टम चेंजेस मॉलिक्यूलर डेथ के बाद आपको देखने को मिलेंगे, जनरली कम्स 4-5 आवर्स तो सोमैटिक डेथ। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर डेथ कब होती है, जब सोमैटिक डेथ हो जाती है, सोमैटिक डेथ कंप्लीट होती है, उसके 4 से 5 घंटे के बाद हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर डेथ आ गई। तो सोमैटिक डेथ के वजह से हमने बोला कि कुछ सेल्स रहते हैं, कुछ बॉडी ऑर्गन्स रहते हैं, जो अपनी ऑक्सीजन नीड के अकॉर्डिंग थोड़े टाइम के लिए सर्वाइव कर पाते हैं। तो जो सर्वाइव कर रहे हैं, बट एक ऐसी कंडीशन भी आएगी ना जब वो भी डेड हो जाएंगे, वो भी कोई एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तब वो मॉलिक्यूलर डेथ कहलाती है। तो सोमैटिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ का जो टाइम पीरियड होता है, सोमैटिक डेथ होने के 4 से 5 घंटे में मॉलिक्यूलर डेथ हो जाती है।
अब ये ज़रूरी क्यों है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अभी सोमैटिक डेथ हुई है या अब मॉलिक्यूलर डेथ हो चुकी है? क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? डेथ तो डेथ है, बट नहीं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि अभी सोमैटिक डेथ हुई है या मॉलिक्यूलर डेथ हो चुकी है। वो क्यों? डिस्पोजल ऑफ द बॉडी के लिए, बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, और अगर कोई ट्रांसप्लांटेशन करना है उस चीज़ के लिए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस वजह से आपको आपको ये जानना ज़रूरी है कि सोमैटिक डेथ हुई है या मॉलिक्यूलर डेथ हुई है। तो डिस्पोजल ऑफ द बॉडी में क्या पढ़ना है? इन रेयर केसेस, कभी कभी बहुत रेयर केसेस में क्या होता है, जब सोमैटिक डेथ हो जाती है और उसके बाद भी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं हैंड एंड फीट, तो हाथ पैर में कभी कभी क्या मूवमेंट देखने को हो जाता है। अभी जो भी ऐसी डेथ जो नेचुरल डेथ होती है उसमें तो कोई इंक्वेस्ट नहीं होता, कोई कोई फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं होती, कोई कोई नॉर्मल डेथ हुई है, नेचुरल कॉजेज से हुई है। तो क्या होता है, जैसे ही डेथ होती है तो सारे फैमिली वाले उनके लास्ट रिचुअल्स राइट्स के लिए बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। तो जब कभी सोमैटिक डेथ होती है और उसके तुरंत बाद ही वो सारा प्रिपेयर कर लेते हैं कि अब बॉडी को डिस्पोज करना है या बॉडी का आखिरी क्रियाक्रम करना है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी सिर्फ सोमैटिक डेथ हुई रहती है, मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुई रहती। तो सोमैटिक डेथ की वजह से क्या कभी कभी हाथ और पैरों में मूवमेंट देखने को मिलता है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो हाथ और पैर में जब मूवमेंट देखने को मिलता है तो उससे कई बार डाउट हो जाता है ये कि पर्सन अभी भी जिंदा है या पर्सन जिंदा था और उसके बाद उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया या उसकी बॉडी को दफना दिया या उसकी बॉडी को जला दिया। तो इस वजह से ये पता करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सोमैटिक डेथ हुई है या मॉलिक्यूलर डेथ हो चुकी है। ओके, ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो ऑर्गन्स है, ज़रूरी नहीं कि हाँ ठीक है सोमैटिक डेथ हो गई या मॉलिक्यूलर डेथ हो गई, मॉलिक्यूलर डेथ के बाद तो ट्रांसप्लांटेशन हो ही नहीं सकती। सोमैटिक डेथ के बाद आप ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, ऑर्गन्स अलग कर सकते हैं बॉडी के बॉडी से, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए अपनी ऑक्सीजन नीड्स के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं खुद को, अभी हमने पढ़ा प्रीवियस स्लाइड में। बट ऐसा नहीं है ना कि सोमैटिक डेथ अभी चल रहा है, 4-5 घंटे में मॉलिक्यूलर डेथ होने वाली है तो 4-5 घंटे हम इंतज़ार कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए एक पर्टिकुलरली टाइम लिमिट सेट किया हुआ है, उतने ही टाइम पे आपको वो सारे ऑर्गन्स बॉडी से अलग करने हैं और उसे ट्रांसप्लांट करना होता है। तो ये कैसा होता है, लिवर के लिए क्या होता है, लिवर अगर आपको ट्रांसप्लांट करना है तो वो 15 मिनट्स के अंदर करना होगा, 15 मिनट्स के अंदर आपको ट्रांसप्लांट करना होगा, सोमैटिक डेथ के बाद बॉडी से अलग करना पड़ेगा लिवर। अगर हम किडनी की बात करें, अगर किडनी की बात करें तो किडनी के लिए वो टाइम लिमिट 45 मिनट्स है, हार्ट के लिए वो टाइम लिमिट 1 घंटा है। तो 1 आवर हार्ट के लिए है, 45 मिनट किडनीज के लिए है, एंड देन लिवर के लिए 15 मिनट्स का टाइम लिमिट है। तो इन टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही ट्रांसप्लांटेशन का काम और जो भी काम होता है ट्रांसप्लांटेशन का वो करना होगा। तो ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोमैटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ। तो सोमैटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ एग्जैक्टली क्या है, आपको ये पता चल गया। सोमैटिक डेथ में क्या होता है, इररिवर्सिबल कंडीशन तो हो जाती है, डेथ हो जाती है, बट जो ऑर्गन्स हैं वो अपने ऑक्सीजन नीड के अकॉर्डिंग सर्वाइव करते हैं। बट मॉलिक्यूलर डेथ में क्या होता है कि कोई भी सर्वाइवल नहीं होता, जो पोस्टमार्टम चेंजेस है वो होने लग जाते हैं मॉलिक्यूलर डेथ के बाद, मॉलिक्यूल्स जो है सेल्स टिश्यूज़ हैं वो बॉडी के मरने लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टिंग्विश करना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ डेथ एंड इम्पॉर्ट, अच्छा उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो कितने तरीके के डेथ होते हैं, तो मैं एक एक हिंट दे देती हूँ, कोमा, सिंकोप एंड एक्सफिक्सिया, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि वीडियोस लंबी हो रही है, आप पूरी वीडियो देख नहीं रहे हो, इस वजह से मैंने प्लान किया है मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स की मैं वीडियो बनाऊंगी, और अगर उससे ज़्यादा होगी, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स भी नहीं, एक कोई भी टॉपिक कंप्लीट होते तक मैं एक वीडियो कंप्लीट करूँगी, उसके बाद दूसरा टॉपिक भी कम उसमें ही ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत आलसी हो, आप देखते नहीं हो। तो यहाँ पे हम ये वीडियो फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मोड ऑफ डेथ्स देखेंगे जो कि कोमा, एक्सफिक्सिया एंड सिनकोप है, और उसमें इसमें ही सस्पेंडेड एनिमेशन भी अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे अगर किसी को कन्फ्यूज़न रह गया है तो। तो ये हमने देख लिया डिस्पोजल ऑफ द बॉडी, ट्रांसप्लांटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सोमैटिक डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ, इसके अलावा डेथ क्या है एग्जैक्टली, और ट्राईपॉड ऑफ लाइफ क्या होता है, मॉलिक्यूल जो मेडिको लीगल स्टडी है उसे हम थनाटोलॉजी कहते हैं, और दो स्टेजेस डेथ की हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आगे हम पढ़ेंगे मोड ऑफ डेथ।
ठीक है, मोड ऑफ डेथ के बाद फिर हम शुरू करेंगे पोस्टमार्टम चेंजेस, तो वो सारा का सारा एकदम अच्छे से डिटेल में हम करेंगे आने वाली वीडियोस में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. या बाय.